हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में हमें क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल्स दी गई हैं और क्वाड्रिलेटरल्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल्स MORE। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे MORE। MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री, OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब देखते हैं हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, OR। हमारे पास साइड कौन सी है, OM एंड OR। अगर MO है हमारे पास तो MO को ड्रॉ कर लेंगे। हमारी विश है कि किसी को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया OR। हमारे पास लाइन है जो उसको ड्रॉ करेंगे OR। OR हमें कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर के लिए हमने लाइन ड्रॉ की, 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्रॉ टू एंगल्स ऑफ 105 ईच ऑफ O एंड R। O के ऊपर भी हमारे पास 105 का और R पे भी हमारा 105 का। ये हमारे पास O है और ये हमारे पास से R। और 105 का हमें ड्रॉ करना है तो प्रोटेक्टर से हम कर लेंगे। D हमारे पास है तो D से हम कितना करेंगे, 105 के लिए पहले हम R पॉइंट के ऊपर रखेंगे। ये जो हमारे पास है ये मिड है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री का बनाता है, 105 का कहाँ बनाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100 और 100 के बाद कितना आता है, 105। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, 105 के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इधर भी करेंगे। फिर हमारे पास जो O है उसको हम सेंटर मान लेंगे। O हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर। O को हमने सेंटर रख लिया एज इट इज, ऐसे आ जाएगा आपके पास O। अगर आपके पास सेंटर है 90, ये 100 और ये 110, दोनों के बीच में क्या आएगा, 105। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 105। दोनों के लिए हमारे पास 105 के लिए पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमारे पास देखो इसको हम मिलाएंगे इधर से, जब हमने ड्रॉ किया था तो ये जो पॉइंट आपके पास है ये हमने इसको मिलाया O से, ये भी 105 का एंगल बन गया। और इधर जब हमने इसको मिलाया OR, ये भी कितने का बन गया, 105 का। अब देखते हैं हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या आएगा, MORE। हमारे पास और क्या दे रखा है, M दे रखा है, MO कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, MORE। हमारे पास MO कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको देखते हैं, 6 सेंटीमीटर पे कट लगाना है हमें। कैसे लगाएंगे 6 सेंटीमीटर पे कट, हमारे पास कंपास है, कंपास ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर के लिए। 6 सेंटीमीटर ओपन करके O के ऊपर रखेंगे और कट लगाएंगे। ये आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर के लिए। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ ये हमारे पास आ गया पॉइंट M, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, OM कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसको हमने नोट कर लिया 6 सेंटीमीटर। फिर हमें ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट M। M के ऊपर हम कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, M के ऊपर हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री का। जो हमारे पास फिगर है इसको ऐसे करके हम रोल करें, राउंड करेंगे और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, M के ऊपर 60 का। जो मिड है हमारे पास उसके ऊपर रखेंगे, ये हमारे पास हो गया इसका मिड। अब हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो देखो यहाँ से 60 डिग्री किधर है, इधर भी 60, इधर भी 60, लेकिन अगर इसको बाहर की साइड लेके जाएंगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा, इधर की साइड आएगा तो 60 का एंगल तो हमारे पास 90 से कम होता है। तो ये हमारे पास किसके लिए है, 60 डिग्री के लिए। ये जो लाइन है ये हमारे पास किसकी है, 60 डिग्री की। तो इसको हम मिलाएंगे 60 डिग्री, ये हमारे पास है 60 डिग्री के लिए, ओके। इसको हम मिलाएंगे ऐसे, ये कितने का आ गया, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री का। और इधर हमारे पास कितना है, 105 डिग्री। और ये भी हमारे पास कितना है, 105 डिग्री। थ्रो एट ई, अब हमारे के पास क्या है, M के ऊपर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया एट M। टू मीट द एंगल, इस एंगल को मिलाएंगे लाइन थ्रो R, एम ओ आर ई, यहाँ पे E है एट E। इधर से R से भी और इधर से भी जो पॉइंट जिस पे ये दोनों टच करते हैं उस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, E। सो एम ओ आर ई हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारी क्वाड्रिलेटरल हो गई एम ओ आर ई, ए क्वाड्रिलेटरल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही दिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल PLAN, क्या दे रखा है आपको देखते हैं। देखो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है PLAN, PLAN एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम ड्रॉ करेंगे PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 110 एंड एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या ले लिया PLAN, कोई इधर P पॉइंट होगा फिर LAN, चारों के चारों हमारे पास ऐसे हैं, तो उसमें से क्या दे रखा है PL दे रखा है और LA, सॉरी LA 6.5। सबसे पहले हमने क्या ले लिया LA, LA हमारे पास कितना है 6.5 सेंटीमीटर, LA हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर, वो लेंगे हम यहाँ पे सेकंड 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे LA पॉइंट के लिए, ये हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर LA, ये पॉइंट L आ जाएगा और ये पॉइंट आपके पास क्या है A। अब आगे हमारे पास क्या है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75, एल के ऊपर में कितने डिग्री का एंगल दे रखा है ये निकालना है, दे नहीं रखा ए पी और सॉरी ए पी और एन तीनों पे दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360, 360 में से इन तीनों का माइनस कर दें कितना आ जाएगा 75, तो 75 किसके ऊपर एंगल है एल के ऊपर, एल के ऊपर हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ कर देंगे पहले, ये हमारे पास है। अब हमारे पास डी है, डी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल, ये हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा बिल्कुल एज इट इज़ रख लिया हमने, ठीक है ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर रखा हमने एज इट इज़, ये जो लाइन है। अब हमारे पास कितना है एल कितना है 75 डिग्री का एंगल, ये हमारे पास देखो 90 है, 90 से कम होता है 75, तो इधर आएंगे हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 80 और 70 के बीच में क्या आएगा 75, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे जो भी एंगल आएगा क्या है पी एल, यहाँ पी एल ए एन पी एल और पी एल की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ करके 4 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे हम, ये हमारे पास है एज इट इज। फिर हम इस पे कितने पे कट लगाएंगे 4 सेंटीमीटर, कितना है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे रखेंगे, कट लगाया हमने 4 सेंटीमीटर, तो ये जो पॉइंट है कट लगाया जहाँ हमने उस पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे पी, पी एल ए, ए के ऊपर हमारे पास कितना एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, ए पे हमें 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ए हमारे पास एज इट इज रखा हमने, ये हमारे पास सेम है 110, देखो यहाँ 90 है, 90 से कम होगा तो इधर आएगा, 90 से ज़्यादा है तो इधर आएगा, तो इधर आएगा तो कितना है 110, ये हमारे पास क्या है 110 के लिए, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया 110 के लिए, इसको हम मिलाएंगे 110 को ए से, तो अब हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है यहाँ 110 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है पी एल ए एन, इधर हमारे पास क्या आएगा एन, एन हमारे पास कितने डिग्री का है 85 डिग्री का एंगल है। अगर हमारे पास पी और एन दे रखा है, नहीं दे रखा पी और एन, दोनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं है ना गिवन, हमारे पास तो सिर्फ ये दो पार्ट्स गिवन थे, क्या क्या थे एक 6.5 था एक 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्या एंगल ड्रॉ करेंगे देखते हैं कैसे, कट एल पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कट कर दिया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी, पी के ऊपर हम कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद जहाँ भी ये लाइन मिलेगी वही हमारे पास क्या हो जाएगा एन पॉइंट। तो अब देखो इसके ऊपर पी हमारे पास, इसको चेंज कर लेंगे और पी हमारे पास कितने डिग्री का है 90 डिग्री का ड्रॉ करना है, तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी एज इट इज़, देखो ये हमारे पास मैच हो गई इससे एज इट इज़ हो गई ना हमारे पास, देखो ये जो लाइन थी बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है हमारे पास, अब कितने डिग्री का है 90 का, 90 डिग्री का यहाँ पे बनता है, तो ये हमारे पास जो लाइन आई सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ है आपका पॉइंट जो कट लगा रखा है ना, ये पॉइंट मैच करना है हमें, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कट लगा हुआ है तो इसको हमने जब कर रखा तो ये आ जाएगा आपके पास ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे 90 डिग्री का कहाँ बनता है एंगल यहाँ पर, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, फिर इस पॉइंट को हम मिला देंगे, इसको जब हम मिलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर से ये मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एल पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का।
PLAN, N हमारे पास कितना है 85 डिग्री का, तो यहाँ पे जो एंगल बचेगा वो कितने डिग्री का है 85 डिग्री का। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि 85 डिग्री का है या नहीं है। कैसे, इसके ऊपर कंपास रखेंगे एज इट इज़, ये हमने रखा तो हमारे पास देखो ये जो, जब हम इसको पूरे को एज इट इज़ मिलाएंगे तो क्या आया, ये आया हमारे पास से। यहाँ पे कितना है 90 है, ये लाइन 90 की है, 90 से इधर कितना है ये 85, तो ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगी 85 के लिए हो जाएगी। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे जो पॉइंट था इससे मैच करके जब हमने ड्रॉ किया तो ये हमारे पास इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना दिया 85 डिग्री का। ये थे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल PLAN। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, थर्ड हमारे पास क्या है HEAR, हमें क्या दे रखा है कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे रखा है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो कैसे करेंगे, देखो पैरेललोग्राम में क्या क्या गिवन है, HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EA इज इक्वल टू 6 एंड एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री। हमने ड्रॉ किया है, सबसे पहले हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल है तो HE हमने ले लिया कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है, HE 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। फिर R है जो हमारे पास है, R के ऊपर एंगल कितना है हमारे पास 85 डिग्री, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा R। अब यहाँ R के ऊपर अगर 85 है तो R के अपोजिट में कौन है हमारे पास E, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते तो ये भी कितना होगा 85। यहाँ पे हमने कितने का ड्रॉ कर लिया 85 का एंगल। ऐसे हम D रखेंगे, D रख के हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास कहाँ बनता है एंगल। ये देखा हमने तो हमारे पास एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ आएगा हमारे पास, ये 85 के लिए है तो ये हमारे पास किसके लिए आया 85 के लिए। ये हमें कितने के ऊपर कट लगाना है 6 सेंटीमीटर के ऊपर, कंपास ओपन किया हमने और यहाँ पे रखा और 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ होता है, 6 सेंटीमीटर पे हमने कट लगाया। कट लगाने के बाद हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा ए, फिर ए पॉइंट से आर कितना है, जितना एच ई है एच ई 5 है तो ए से आर भी कितना होगा 5। यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ कट लगा देंगे, ये कितना था 6, तो यहाँ पे जब हम कंपास रखेंगे तो 6 के लिए कट लगाएंगे। ये फिर हमारे पास दोनों से पॉइंट क्या आ जाएगा पॉइंट आर, और फिर आर को एच से मिलाएंगे और आर को ए से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक पैरेललोग्राम एच ई ए आर। नेक्स्ट है हमारे पास एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम। कैसे, आपको एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स, जो कोई भी रेक्टेंगल है उसका ईच एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है और अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। दो कंडीशंस हैं, ओ के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, के इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ के को हमने फर्स्ट मान लिया, ये हमारे पास कितना ले लिया हमने 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हर एक पे एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, तो हमने यहाँ पे कंपास रख के, और कंपास से बनाओ या फिर डी से, डी से जब हमने बनाया तो यहाँ पे हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये हमारे पास जो लाइन आएगी 90 की आएगी। फिर ये लाइन कहाँ तक जाएगी ये देखना हमें, तो के से ए की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिर हमने कंपास रखा और 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर था, यहाँ हमने कट लगा दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा ए। फिर अगर के ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो के ए के अपोजिट साइड कौन है, ओ वाई, तो यहाँ भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमने कट लगाया कितने पे 5 सेंटीमीटर पे। इसी तरह ये हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, फिर हम 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और ये कट लगाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वाई पॉइंट, और फिर सभी को मिला देंगे, ओ से वाई को मिला देंगे और ए से वाई को मिला देंगे, और मिलाने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा O K A Y एक रेक्टेंगल। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। ओके, थैंक यू।